हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको तीन ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि यदि सुबह में आपको प्रेशर नहीं बनता है तो, यानी कि जब भी आप सो के उठते हैं, जिनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कब्ज ज्यादा है, जिनको आईबीएस है, नले पड़े हुए हैं, किसी किसी को दो दो दिन तक उनका टॉयलेट होता ही नहीं, तो दोस्तों यदि आपको प्रेशर सुबह में नहीं बनता है तो ये तीन टेक्निक आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। और आप देखिए कैसे करना है। प्रेशर बनाने के लिए बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, वो उल्टा आपकी आंत को और इरिटेट करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा आपको कब्ज बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जो टेक्निक है इसको अपनाएं और आपको सुबह में प्रेशर बन जाएगा, वो भी जब भी आप पानी पी लें, ढाई गिलास, तीन गिलास, उसके बाद आपको ये टेक्निक करनी है, जिससे आपको प्रेशर तुरंत बनेगा और आप जाएंगे टॉयलेट में और तुरंत फ्रेश होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कि कैसे करना है, ओके। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, उनको प्रेशर नहीं बनता है, तो सबसे पहले जो टेक्निक आपको करनी है वो है इस तरह से, आप अपने बेड पे उठने से पहले, यानी कि ऊपर पैर रखने से पहले जमीन के, उससे पहले आपको ये करना है। तो कैसे करना है देखिए, जब भी आप जग जाए, ठीक है, उसके बाद अपना लेफ्ट साइड में करवट लेना है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट आर्म होना चाहिए नीचे, ठीक है। अब लेफ्ट आर्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी जो डिसेंडिंग कोलोन है वो हमारी नीचे आ गई, ठीक है, तो हमारे जो ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन में जितने भी मल फंसे होंगे वो आपके इस तरह से अपने आप निकल के यहाँ पे आपके एनस के पास इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से लेटे और लेफ्ट वाला जो हाथ है वो नीचे होना चाहिए इस तरह से, कभी भी राइट वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक आराम से जगे हुए लेटे रहना है, ठीक है, उसके बाद में आराम से आप उठ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला वाला करने के बाद आपको ऐसे खड़ा होना है पानी पीने के बाद, ठीक है, जो पहले आपको बताया वो आपको लेफ्ट साइड में करवट लेके 5 मिनट तक लेटे रहना है और उठने के बाद हल्का गर्म पानी करके 2.5 गिलास आपको पी जाना है। उसके बाद आपको खड़ा होना है और इस तरह से अपना टी शर्ट को इस तरह पकड़ लें, शर्ट को पकड़ लें, और ये जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड से लेकर इस तरह से हम ऐसे ऐसे करते यहां तक आएंगे, उसके बाद इस तरह से करते करते यहां आएंगे, फिर नीचे इस तरह से करते हुए हम जाएंगे, यानी कि असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन, इन तीनों को हमें एक्टिव करना है, जिससे उसके अंदर जितने भी कब्ज की वजह से फंसे हुए मल होते हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें 3 बार करना है, एक बार और बताता हूं किस तरह करना है। देखिए यहां से स्टार्ट करना है, नीचे से इस तरह से धीरे 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 ऊपर यहां तक आए, उसके बाद यहां से आगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसको आप 4-5 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से खड़े होना है और हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से फंसा लेंगे उंगलियों को और ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। और हमको किस तरह से क्या करना है, देखिए एड़ी को भी उठाएंगे हम, देखिए एड़ी को उठाए और बिल्कुल ऊपर किए, इसको इस तरह से खींच देना, ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद नीचे आ गए, सांस छोड़ते हुए, ठीक, वापस ऊपर आ गए, इस तरह से करेंगे, उसके बाद वापस करेंगे इसी को, इस तरह से ऊपर किए और एड़ी को भी उठाए और सांस भर के फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये भी आप 4-5 बार कर सकते हैं, आपको 100% आपको प्रेशर बन जाएगा, ये आप करके देखिए घर पे, ठीक है दोस्तों।